गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 to 19 स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपको बता दिया था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या है। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर व्हिच हैज 9 to 18। इट मीन्स मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक नया वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 18। समझ में आ गया। तो यू नो स्टूडेंट्स, ये हमेशा के लिए समझ लो कि जब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन की बात करेगा, इसका मतलब उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। क्लियर? तो जो नया वेक्टर फाइंड करना है, उसको पहले कुछ कंसीडर करते हैं कि लेट ये न्यू वेक्टर, ये वेक्टर बी, ओके, इन द पूरा ये चीज लिख दो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी इज दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस। मैंने इसको ए मान फाइव आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 2k कैप व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 18। क्लियर? That it, इसका मतलब क्या होगा कि जो b वेक्टर है, मैंने क्या कहा, जब कभी भी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की बात करेगा जिसका, इसका मतलब उसका यूनिट वेक्टर, इसके यूनिट वेक्टर की बात करें, यानी जो b वेक्टर है इसके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन है। ओके, तो यू नो हियर किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉडल्स निकालते हैं तो क्या आता होगा, लेकिन ये जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना, 8। तो इसका मैग्नीट्यूड तो वन आ जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें। This year a vector upon modulus of a. Then a vector क्या है? मैं modulus ना find कर लेता हूँ। देखो यहाँ a modulus है। तो क्या लिखते हैं? Square coefficient of i square plus 5 square. Clear? And plus coefficient of j square. तो minus 1 के square करो। And plus coefficient of k means 2 के square. तो क्या आ गया? 5 is a 25 and 1 and 2 is a 4, it is 30 आगे, then with root mean 30, clear? तो चलो a vector पहले लिख दो, 5i cap minus j cap and plus 2k cap and divide by this, then root 30, okay? अब इसको separate भी लिख सकते हो, इसकी value क्या है, 8 5 is 40 upon root 30i माइनस 8 अपॉन रूट 30 जे कैप एंड प्लस 8 टू 16 रूट 30 सॉरी यहां जे कैप रहेगा एंड यह के कैप। तो समझ में आ गया, ये हो गया बी, जो मुझे नया वेक्टर फाइंड करना था इस वेक्टर के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 8 का, ये आपका हो गया रिजल्ट। ओके, और क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। तो यू नो स्टूडेंट्स, हमने पहले डेफिनेशन में बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल देन कोलिनियर। वहां डायरेक्शन कंपलसरी नहीं होता कि डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो। तो आइए इसके लिए मैं रूल पहले बता दे रहा हूं कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू हियर लैम्डा बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी देन कोलीनियर। ये भी लिख सकते हो पैरेलल, पहली कंडीशन। अभी मैं एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूं। दूसरी कंडीशन, और यहां लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा बिलोंग के रियल, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव समथिंग ये नहीं, बट यहां एक और कंडीशन है कि इफ ए इज इक्वल टू लैम्डा बी देन एंड लैम्डा बिलोंग के पॉजिटिव,
कैसा है वो पॉजिटिव, क्लियर। यदि ये जो लैम्डा है वो पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ है बोलेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव केवल हो गया तब क्या होगा, देन ए एंड बी आर पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, क्लियर। यदि अगर ये लैम्डा पॉजिटिव हो गया तो पैरेलल भी होगा और सेम डायरेक्शन में, बट इफ ये ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, बट लैम्डा हियर नेगेटिव, कैसा आ गया नेगेटिव, देन ए एंड बी आर पैरेलल बट अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों कैसे डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। अब एक मैं क्वेश्चन लेकर के आपको समझा दूं, जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए 2 3 4, एक दूसरा पॉइंट लिया बी, बट ये पॉइंट कैसे मैं राइट कर रहा हूं, ये जो ए पॉइंट था उसी में किसी एक पॉजिटिव नंबर को सेलेक्ट कर उससे मल्टीप्लाई कर, तो यू नो आपने कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया 3 ले लिया, थ्रो 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 2 या 6, 3 3 से 9 एंड 3 4 से 12। तो अगर आप ए और बी पॉइंट्स लिखा हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OA हियर 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड OB हियर 6i प्लस 9j प्लस 12k, ओके। तो यहां OA और OB में क्या रिलेशन है, OA क्या काउंट हो जाएगा 3 OB, तो यहां देखो O और OA एंड OB ये दो वेक्टर्स में क्या रिलेशन है, ये लैम्डा, यहां लैम्डा की जो वैल्यू है वो कैसे है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या होगा कि OA एंड OB आर पैरेलल एंड OA एंड OB की रिएक्शन क्या होगी सेम होगी। बट अगर यही मैं क्या करता किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर देता, सपोज दैट यहां आपने अगर -3 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये क्या हो जाता -6 -9 -12, देन दिस इज -6 -9 -12, okay? Then this is -3. यहाँ -3 common होता, then lambda का negative. तो यहाँ क्या सोच कर रहे कि OA and OB are parallel, but OA and OB direction here opposite. यानी एक direction अगर upward है तो दूसरे की downward होगी. समझ में आ गया? But दोनों condition में देखो parallel तो है. Yes. तो मैंने कहा अगर दो vector parallel हैं, then call calling. तो इसीलिए मैंने कहा लैम्डा ब्लैक टू रियल नंबर, यानी लैम्डा पॉजिटिव है नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस वो कोलिनियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, इसको क्या मान लो, इसको सब लेट हियर ए, ये आपने ए वेक्टर माना एंड लेट दिस वेक्टर हियर बी, इसको आपने बी मान लिया, तो इसमें क्या कॉमन करो, इसमें क्या कॉमन करो -2। तो देखो यहां मैं अगर -2 कॉमन करूं बिकॉज ए हियर दिस एंड बी हियर -2 से कॉमन करो, then here 2i plus 3j, sorry minus हो जाएगा कि minus 2 आपने common किया है and plus 4k, okay? So now a and b relation here, a is equal to -2, ये क्या लिखा हुआ है, a नहीं लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हो b is equal to -2 into a। तो अभी मैंने definition लिखा था कि if a is equal to lambda b and lambda belongs to here any number, then a and b कोलिनियर, तो यहां ए और बी कैसे हो गए कोलिनियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस, मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो यू नो स्टूडेंट्स दो मेथड होते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, एक मैंने बताया कि इफ गिवन हियर x एंड y एंड z एंड लेट हियर एनी वेक्टर OB, क्लियर, इफ दिस एंगल विद x एक्सिस अल्फा एंड y एक्सिस विद हियर बीटा एंड Z-X is with your normal, then alpha beta here direction angle and write the cos alpha and cos beta and cos normal, then this is your direction quotient. एक तो ये होता है जब angle दिया हो, यानी उस vector का positive x y z axis से angle पता हो तो बस cos के साथ लिखेंगे direction quotient मिल जाए। दूसरा जब vector दिया होता है तब क्या लिखते हैं, ये previous video मैंने बताया था, यहाँ पर से revise कर बता दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने क्या लिखा let the given vector this a i cap प्लस 2j प्लस 3k। सो ये पहली चीज हम बात कर लेते हैं, i का कंपोनेंट क्या है 1 2 एंड 3, तो यहां जो 1
ये जो लिखा हुआ ये आई का कंपोनेंट हुआ, ये जे का हुआ, ये के का हुआ, ये क्या है? ये है डायरेक्शन रेसिंग। क्या है? डायरेक्शन रेसिंग। अब दूसरी बात करते हैं, मुझे तो निकालना था डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी वेक्टर अगर दिया है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालोगे? यूनिट वेक्टर। ए कैप, यू नो हियर ए कैप इज वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ। तो वेक्टर ए यू नो आप जानते हैं कैसे निकालोगे मॉडुलस, लिखते हो रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा। फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं इज 2 स्क्वायर, n स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट k देन 3 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 4 1 तो कितना आ गया 14। तो नाउ हियर मॉडुलस ऑफ a क्या आ गया रूट 14। अब मैं a वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो a वेक्टर आपका क्या था i, i प्लस 2j प्लस 3k एंड डिवाइड बाय रूट 14। So also now write here a by 1 upon root 14 i plus 2 upon root 14 j and plus 3 upon root 14 k. Then here जब आप unit vector आप निकाल लेते हो, sorry this unit vector किसी भी vector का, तो i और j के जो component होते हैं this called here direction cosine. Okay? यानी ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। हियर यहां क्या क्या होगा, यहां आपका हो जाएगा 1 अपॉन रूट 14 एंड 2 अपॉन रूट 14 एंड 3 अपॉन रूट 14। क्लियर? एक और चीज बताई थी आपको कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर करके सम करोगे तो 1 आएगा, तो करके देख सकते हो ये n है, ये m है और ये n। चलो करते हैं, इसका स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 1 अपॉन 14, इसका स्क्वायर करोगे 2 अपॉन 14 और इसका स्क्वायर करोगे तो 9 अपॉन 14। सम कर लो 9 1 10 एंड 4 14 बाय 14 क्या आ गया 1 आ गया नहीं आ गया, तो इस तरह से 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। यस, एक यहां पे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, एक एक पॉइंट है आपका 1, 2, -3। ओके, एक बी पॉइंट से आपका तो ये क्या है -3 माइनस टू का मान। फिर अब क्या है, ए से बी को ज्वाइन करो, दिस इज बी पॉइंट, ए से बी को ज्वाइन करो, डायरेक्शन आपकी ये होगी। तो इसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो चलो पहले मैं सिर्फ ए ए भी फाइंड करने के लिए क्या करते थे, हमने बताया आपको यहां इनिशियल पॉइंट है ए, देन लेट इट एक्स1 वाई1 एंड जेड1, जो इनिशियल पॉइंट होगा इसी को एक्स1 वाई1 जेड1 मानेंगे, और जो टर्मिनल पॉइंट होगा इस एंड पॉइंट होगा उसको एक्स2 वाई2 जेड2 लिखेंगे। ओके, अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि जो एंडिंग पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट को इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट से सबट्रैक्ट कर दो, तो x2 माइनस ये x1। ओके, देन दे आर याद रखना कि x एक्सिस को x एक्सिस के साथ सबट्रैक्ट करना है, y वैल्यू को y के साथ करना है, और i मैंने बताया था कि x एक्सिस को किस यूनिट वेक्टर से शो करते हैं, i के एक्सिस को राइट के i n प्लस y2 माइनस y1 j कैप n प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो यहां देखो x2 क्या है माइनस 1 एंड 1 क्या है दिस इज माइनस 1। ओके, सो i कैप n प्लस ये माइनस 2 एंड ये 2 देन माइनस 2 j एंड z2 हियर ओनली 1 एंड z2 हियर माइनस 3, सो राइट हियर प्लस 3 एंड हियर k, देन a b वेक्टर हियर माइनस 2 i कैप एंड माइनस 4 j कैप एंड प्लस 4 k। अब आप फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये सेम क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, क्योंकि ये जो वेक्टर है क्या करो इसका इसका कैप निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करके फिर i का जो कंपोनेंट आएगा, j का जो कंपोनेंट आएगा और जो k का कंपोनेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, वही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो कह लो क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें क्या करना है, सो दैट द वेक्टर i + j + k, तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कोई वेक्टर दिया है i + j + k, इसमें मुझे शो करना है, क्या शो करना है, ये जो वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से सेम एंगल बनाता है। ओके, तो मैंने क्या किया, अब देखो इसको क्या करोगे, ए वेक्टर दिया तो एंगल किस कैसे फाइंड करते हो, एंगल डायरेक्शन कोसाइन जब फाइंड करते हो तब एंगल मिलता है। ओके, तो पहले माइंड में आपको रिवाइज करना होगा कि अच्छा एंगल कैसे हम कनेक्ट करते हैं वेक्टर से, तो हम डायरेक्शन कोसाइन जब निकालेंगे तब भी आएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे। ओके, यहां मैं थोड़ा सा फिगर बना दे रहा हूं, एक्स y and z, let here this point and here a vector, इसको a vector मैंने बोला, and this here alpha, so
ओके दिस इज बीटा यानी इस वेक्टर से एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्या हो गया अल्फा एंड अराउंड द वाई एक्सिस बीटा एंड दिस इज गामा तो मुझे यहां ना शो करना है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा ओके तो चलो मैंने क्या कहा एंगल कैसे आएगा डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं इन वेक्टर फाइंड करके तो ए कैप मैंने लिख दिया देन वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ ए तो यहां मॉडुलस ऑफ ए क्या है स्क्वायर ऑफ i का जो कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर करते हो n स्क्वायर ऑफ j कंपोनेंट n प्लस स्क्वायर ऑफ k कंपोनेंट तो यहां का रूट 3 ओके सो नाउ a इट मींस दिस i प्लस j प्लस k सो नाउ डिवाइड बाय रूट 3 बिकॉज़ मॉडुलस a इज रूट 3 सो नाउ आल्सो राइट हियर a कैप इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 i प्लस 1 बाय रूट 3 j n प्लस 1 by root 3 k okay so here direction cosine it means 1 by root 3 okay and here 1 by root 3 and here 1 by root 3 and you know here direction cosine if alpha beta gamma with angle x axis vector then cos alpha cos beta cos gamma this is your direction cosine okay ye hum jante hain now compare this cos alpha is equal to 1 by root 3 then alpha is equal to cos inverse of 1 by root 3 ab agar inverse aapko samajh mein nahi aa raha to is tarah se samajh lo ki x y is equal to 1 likhte ho to y is equal to kya likhte ho 1 by x to yahan y is equal to x ko upar le ja ke inverse likhte ho तो ये ऐसे हो जाता है तो वैसे ये इनवर्स हो गया लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है क्यों क्योंकि कॉस एक फंक्शन है और यहाँ ये वेरिएबल है तो इस कॉस को जब हम उधर ले जाएंगे ना पॉजिटिव प्लस वन समझते हैं तो उधर रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन एंड सेम इज हियर कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 तो यहां क्या मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3 सेम ऐसे गामा के लिए निकालोगे तो भी तो ही आएगा ओके तो यहां देखो अल्फा इज इक्वल टू दिस बीटा इज इक्वल टू दिस एंड सेम ही गामा इज इक्वल टू आल्सो दिस हेंस अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3 तो इससे क्या प्रूफ हो गया हियर दिस वेक्टर मेक एन एंगल एक्सिस इज सेम एंगल नो क्वेश्चन नंबर 17 तो क्या दिया हुआ है गिवन हियर ए बी सी बिग पोजीशन वेक्टर ए बी सी दिस इक्वल टू तो यू नो स्टूडेंट सबसे पहले ये समझ लो कि अगर मैंने कहा कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम क्या लिखेंगे ओ ए लिखेंगे यानी एक फिक्स यानी सेंटर पॉइंट होता है उससे उस पॉइंट की डिस्टेंस आप मेजर किया है तो ये जो ए लिखा हुआ है आपके बुक में ए बी सी यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो इसको ए वेक्टर ना लिखो क्या लिखो ओ ए लिखो इसको क्या लिखोगे ओ ए वेक्टर ओके और जहां बी वेक्टर लिखा हुआ है उसको आप क्या लिखोगे ओ बी वेक्टर लिखोगे ओके एंड सी हियर देन हियर ओ सी क्योंकि जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है तो किसी एक सेंटर पॉइंट से उसकी डिस्टेंस लेते हैं जैसे ये देखिए ये हो गया सेंटर अब ए पॉइंट है ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसका मतलब ओ ए तो अब हमें करना क्या है सो क्या करना है ये जो ट्रायंगल ए बी सी जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के तो वो ट्रायंगल है कैसा वो ट्रायंगल राइट एंगल तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहले क्या कर लो दिमाग में लाएंगे हम क्या कि अगर हम ए बी जैसे मान लो लिखा ए बी सी अब ये दो पॉइंट हुआ ओ ए ओ सी एंड ओ बी आपको पता है तो अगर हम ए बी पता कर लें ए बी वेक्टर और उसका मॉडुलस निकाल लें तो मॉडुलस मतलब क्या इसकी लेंथ आ जाएगी फिर ऐसे बी सी वेक्टर निकालो बी सी की लेंथ पता कर लो ए सी निकालो ए सी की लेंथ पता कर लो और उसका मॉडुलस पता कर लो तो यू नो हियर राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम प्रूफ करेंगे तो चलिए आइए देखते हैं हम तो सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर रहा हूं ए बी तो ये भी मैंने बताया दिस ए इनिशियल पॉइंट एंड बी हियर एंड पॉइंट तो किस तरह से बताया कि इसका यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट को इनिशियल वाले पॉइंट से सबट्रैक्ट करो तो वाई के साथ निकल जाएगा तो अब ए बी कैसे लिखोगे ओ बी माइनस ओ ए यानी ये जो बी पॉइंट लास्ट पॉइंट होता है उसके पोजीशन वेक्टर में से आप इनिशियल पॉइंट पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा देखो ओ बी ये है ओ ए तो 2
माइनस थ्री इट मीन्स क्या आ गया माइनस आई एंड ओके माइनस आई. अब मैं बात कर रहा हूं देखो बी ओ बी माइनस वन एंड माइनस करके तो प्लस हो जाएगा तो माइनस वन प्लस फोर इट मीन्स प्लस थ्री जी एंड प्लस वन एंड माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो फोर एंड वन फाइव के. अब आप यहां क्या करो ए बी का मॉड फाइंड करो तो जब फाइंड करोगे तो क्या आएगा मैं डायरेक्ट भाई लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ आई के स्क्वायर कर दो तो यहाँ वन है तो वन के स्क्वायर क्या होगा वन एंड जे के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करो थ्री स्क्वायर एन प्लस फाइव का स्क्वायर तो डायरेक्टली मैंने यहाँ नाइन लिख दिया और यहाँ फाइव का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव. तो ये क्या हो गया ट्वेंटी नाइन वन टेन एंड ट्वेंटी फाइव देन हियर थर्टी फाइव ये ए बी मॉड आ गया. फिर बी सी तो बी सी हियर ओ सी माइनस ओ बी ओके सो ओ सी this OC and OB this so I minus 2I so here minus I and minus 3 and minus then plus so minus 3 plus 1 is only 2 minus 2 okay and then minus 5 and minus then here 6K now find modulus of this so root क्या करते हो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर करते हो देन वन एंड जे कंपोनेंट क्या माइनस टू का स्क्वायर करोगे फोर एंड के कंपोनेंट क्या सिक्स देन स्क्वायर थर्टी सिक्स ओके. तो यहाँ क्या होगा थर्टी सिक्स एंड दिस ईयर फोर्टी वन. नाउ सी ए अब हम सी ए फाइंड करते हैं तो सी ए इज ओ ए माइनस आर ओ सी ओ ए माइनस आर थ्री आई माइनस आई तो यहाँ क्या हो गया टू आई n minus 4 and plus 3 then only minus 1 minus 4 and minus 2 then will 9 okay ye wali isko check kar lo 3 minus i 2i minus 4 plus 3i minus 6 minus 4 and plus 5 okay ye kar lo rahe minus 4 jab minus ho gaya to plus ho jayega only kya aayega k aayega okay so now here c a mod then root here 2 के स्क्वायर 4 एंड हियर 1 1 के स्क्वायर करते जाओ एंड प्लस 1 देन हियर 1 तो यहां क्या है रूट 6. तो अब हम देखते हैं इन सब पे एक साइड ये दूसरी ये तीसरी है तीनों में से कौन सी लाजर होगी ये लाजर होगी क्लियर क्योंकि रूट 41 लिखा हुआ है. तो हमने क्या बताया अब पाइथागोरस थ्योरम में इसको सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी बी सी तो चलो इसको मैंने ओनली बी लिख दिया और इसको मैंने ओनली ए लिख दिया एंड दिस इज ओनली सी. तो हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है कि नहीं करता है. तो क्या लिखते हो लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्मॉलेस्ट साइड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अगर फॉलो कर गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन दिस पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम कहां फॉलो किया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में. तो देखो बी के स्क्वायर में लिखा तो बी स्क्वायर इट मींस एलएचएस हियर देन 41 एंड नाउ आरएचएस तो आरएचएस भी होगी ए क्या है 35 इसका स्क्वायर करोगे ओनली 35 एंड हियर 6 सो दिस इज 41. अब समझ में आ गया तो आप थोड़ा लिखने के लिए मेथड समझ गए ना भाई पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे एंड दिस ईयर ओके देन दिस फॉलो हियर सो दिस ट्रायंगल एबीसी आर राइट एंगल ट्रायंगल. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की. तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है एक फिगर दिया हुआ है ओके और कह रहा है उसके अकॉर्डिंग फोर कंडीशंस दिए गए हैं तो उसमें से फॉल्स कंडीशन कौन सा है ये बताना है आपको. तो आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर मैंने बताया था एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि जैसे ए और बी को आपको ऐड करना है तो आप क्या करते थे एक वेक्टर बना देते ए हियर एंड दूसरा वेक्टर इसके हेड पोजीशन से रख करके इसे बना देते बी एंड दिस हियर रिजल्टेड हियर सी ओके देन सी या आर लिख दो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख दो. तो ये होता था ट्रायंगल प्रॉपर्टी. तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी वहां भी मैंने बताया कि इन सभी साइडों का एक रूल मैंने बताया कि एल्जेब्राइक जो सम होगा वो हमेशा जीरो है. इसका मतलब क्या हुआ मान लो ऐसे कोई ट्रायंगल लिखा हुआ है ए बी ओके या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ए बी सी तो यहां अगर एल्जेब्राइक सम की बात कर रहा हूं ए सम ऑफ ऑल साइड एल्जेब्राइक सम इज ऑलवेज जीरो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है यानी हम ऐसे लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो ये हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा इस तरफ डायरेक्शन में चलो तो भी जीरो आएगा. जैसे आपने कहा बी ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए यानी अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही चलते रहेंगे
तो जो सर्कल होगा या जो भी शेप होगा उसका सम हमेशा क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ गया, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। अब सपोज दैट इसमें मान लो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए बी डायरेक्शन में चल रहे हैं, बी सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट इसका डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, ये डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो जब डायरेक्शन चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। अब लिखते तो थे सी है, क्या लिखते थे सी है, बट डायरेक्शन का चेंज हो गया तो माइनस लिखोगे ए सी और स्टूडेंट तो क्या लिखोगे जीरो। ये चीज समझ में आ गई। तो देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, अब हमें फॉलो करना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी रॉन्ग होगी। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, ए बी प्लस बी सी, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यस, तो माइनस राइट ए सी इज इक्वल टू जीरो, ये प्रॉपर्टी मिल रही है, यस, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दिस इज करेक्ट, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, ए सी